किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करने वाले राकेश टिकैत किसी न किसी बहाने से सरकार को घेरने की फिराक में रहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तो कभी केंद्र की मोदी सरकार को। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। अब देखिए ना, किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत ने जिस तरह से राजनीति की वो हर किसी ने देखा। भले ही राकेश टिकैत ने अपनी मांगे मनवा ली हो, लेकिन उनकी राजनीति हर किसी ने देखी और परखी, और वो किस तरह के इंसान है ये भी हर कोई समझ गया। मौके की नजाकत को समझते हुए केंद्र सरकार ने तो कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन राकेश टिकैत ने जो पूरा एजेंडा चलाया वो हर किसी ने देखा। सबको उम्मीद थी कि राकेश टिकैत अब इस आंदोलन को खत्म कर घर वापस चले जाएंगे, लेकिन उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई। अब जब एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा, तो इस बार सोशल मीडिया पर वो खुद ही आलोचना का शिकार हो गए। हुआ ये कि राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उस पर जुर्माने के तौर पर 10,000 की बात कर रही है, और दूसरी तरफ अफसर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रही है। सरकार अपना फैसला वापस लेकर किसान हितों के लिए कार्य करे। बता दें, राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री के ऑफिस और न्यूज एजेंसी ANI को टैग भी किया। जो पोस्ट राकेश टिकैत ने किया उसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें साझा की, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ अफसर भी हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। अब राकेश टिकैत ने जिस तरह से ट्वीट किया उसको लेकर लोगों ने उन्हीं की क्लास लगा दी। जैसे एक यूजर ने लिखा, क्या हुआ चौधरी साहब, आंदोलन नहीं कर रहे हो आजकल या थक गए हो? एक और यूजर ने लिखा, तुम कब आए नानी के घर से? एक और यूजर ने लिखा, एक वो भी जमाना था जब आपके चारों तरफ मीडिया का कैमरा लगा हुआ था, उस बीच में राजा बने हुए थे, बिना वजह का धरना प्रदर्शन दिल्ली में, और आज ये हालत हो गई। आप ट्वीट पर ट्वीट करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्या लगा था भारत की जनता बेवकूफ है? आपकी यही गति होनी थी। एक और यूजर ने लिखा, किसानों को फिर अपने खेतों पर ही ट्रैक्टर के साथ काम करना चाहिए, सड़कों पर बैठकर हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए, शांतिपूर्वक भी मसले हल हो जाते हैं। एक और यूजर ने तो ये तक लिख दिया, तेरे कहने से सरकार नहीं चलेगी, एक बार जोगी जी को गुस्सा आ गया तो तेरी खैर नहीं, बार बार CM को तंग नहीं करने का। तो देखा आपने कैसे राकेश टिकैत को योगी सरकार पर तंज कसना भारी पड़ गया और लोगों ने उनको लताड़ दिया। अब आप बताइए, राकेश टिकैत जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, आपके मुताबिक वो कितना सही है? क्या वो सच में किसानों के मुद्दे उठाते हैं या फिर किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं? आपका जो भी मानना हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।